मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से आपको सारी बात बता दी और 6-7 घंटे से आप यहाँ बैठे हो। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ, इतनी भारी संख्या में इतने दूर से आए हुए इतने देर से आप बैठे हैं, ये बात का प्रतीक है कि आप लोगों ने मानस बना लिया कि हनुमान बेनीवाल को बहुत शानदार वोटों से नागौर से जिता के यहाँ से भेजना है। बेनीवाल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर गठबंधन किया है और बेनीवाल जी की बोतल हाथ में पकड़ ली और मजबूती से इस गठबंधन को आगे लेके अपन जाएंगे। अपन हनुमान जी को क्यों वोट दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न आपके और मेरे सामने और मंच में भी होगा और मेरे से पहले बोले वक्ता ने भी बोला होगा। बहुत सालों से आपने महसूस किया होगा कि जब तक जनता भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब राज बन के मोदी जी बने, उसके बाद गांव के अंदर ना तो कोई विकास हुआ है, ना गांव के अंदर कोई तरह की स्कीमें गई हैं। आप खुद बता दीजिए 14 के बाद नागौर जिले के अंदर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया हो तो आपके यहाँ कुछ विकास दिखता है क्या केंद्र सरकार का? आपको 10 साल में कुछ भी नहीं मिलेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कोई भी कृषि मंत्री 10 साल के अंदर भारत सरकार का उसका नाम पता है क्या आपको? 70% लोग गांव में रहते हैं, खासकर वर्ग के लोग हैं। जब तक गांव में विकास नहीं होगा, खासकर विकास नहीं करेगा। आप पर हम सब जानते हैं कि देश आगे नहीं बढ़ सकता, देश विकास नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी ने जब कभी शासन किया आज़ादी के बाद में, जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है कि आज़ादी के वक्त गांव के देश की क्या हालत थी, कितनी गरीबी थी, ना सड़कें थी, ना स्कूल थे, ना हॉस्पिटल थे, ना पशु चिकित्सा थे। 60-70 सालों के अंदर गांव के अंदर कितना विकास हुआ है। नई पीढ़ी जो आई है, पुरानी पीढ़ी जो यहाँ बैठी है, उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि इस देश को 70 साल में कहां से कहां पहुंचा दिया। और इतिहास गवाह इस बात का कि 70 साल के अंदर दुनिया में किसी भी देश ने इतनी तरह की नहीं की जितनी भारत ने की और कांग्रेस शासन के अंदर की। और सुनने में मिलता है कि जैसे मोदी जी, शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग भाषण देते हैं कि जो कुछ उस देश में हुआ 2014 के बाद ही हुआ है। पहले तो यहाँ कुछ था ही नहीं, ना सड़कें थी, ना बिजली थी, सपेरे यहाँ पर घूमते थे, सांपल यहाँ घूमते थे, कुछ हुआ ही नहीं इस देश के अंदर। तो ये जो कुछ हुआ 10 साल के अंदर पूरे देश में हो गया, सब झूठ का पुलंदा। झूठ बोल बोल के हालत ये हो गई कि गांव में और शहरों में पूरा का पूरा पूंजी, पूरा का पूरा पैसा जो खर्च हो रहा है शहरों में हो रहा है, अमीर लोगों के लिए हो रहा है, गांव के लिए गरीब के लिए इस देश में पिछले 10 साल से ना तो कोई तरक्की हुई है, ना आगे तरीके का अपन को कोई सपना देखना चाहिए। तो मैं यूं कह रहा था कि अपन हनुमान जी को इसलिए वोट दे रहे हैं कि जिस सरकार के अंदर कृषि मंत्री नहीं हो, कृषि मंत्री हो तो वो गांव का नहीं हो, और जो वहां पर विधानसभा में या सरकार में या पार्लियामेंट में गांव वालों की बात नहीं कर सके ऐसा व्यक्ति नहीं हो, इसकी अभाव को भरने के लिए अपन सब लोग यहाँ से मिलके हनुमान जी को जिता के वहां भेजेंगे। तो गांव की बात होगी, गरीब की बात होगी, और अपने दुख सुख की बात अगर करने वाला कोई नेता के रूप में उभरेगा तो हनुमान बेनीवाल जी होंगे। कांग्रेस नागौर जिला राजस्थान में नहीं पर पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध जिला है। राजनीतिक हवा कभी कभी राजस्थान में नागौर से बनती है और जो नागौर की जनता तय कर लेती है वही हवा पूरे नागौर में बनती है। और ये हवा मुझे बता रही है ये 25 की 25 सीटें जो सपने भारत जनता पार्टी देख रही है ये पूरा होने वाला नहीं है। नागौर जिले के अंदर आपने मानस बना लिया, कांग्रेस की सीटें आएंगी और कम से कम आधी सीटें आप मान के चले राजस्थान के अंदर कांग्रेस की आएंगी और भारी बहुमत से यहाँ से जिता के भेजेंगे। और एक बार फिर ये सिद्ध कर देंगे जिस करवट नागौर करवट लेता है तो उस हिसाब से नागौर की राजनीति पूरे राजस्थान के ऊपर हावी रहती है, इसका असर दिल्ली में फर्क पड़ता है। दोस्तों, मेरे से बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत कुछ आपको बोल दिया, मैं तो आप सबसे वाकिफ हूँ। पिछले 2-3 महीने से लगातार गांव-गांव उड़ानी घूम रहा हूँ, सिर्फ इसलिए जाया हूँ कि आप लोगों का मेरा दिल से बहुत मैं कृतज्ञ हूँ, बहुत एहसान मानता हूँ कि बहुत भारी मोहम्मद वोटों से आपने मुझे यहाँ से जिता के भेजा और आपने मेरी बात सुनी और मैं आप लोगों ने जिता के भेजा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, कई तरह की बातें आएंगी, कई तरह की अफवाहें उठेंगी। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ किसी की बात पे भरोसा मत करना,
तन मन से अपन को इस गठबंधन को वोट देना है, तन मन से कांग्रेस और आरएलडी के गठबंधन को मजबूत करना है, हनुमान बेनीवाल जी को यहाँ से जिताना है, और हम लोग सब मिलकर अगले 5 साल तक कोई काम की कमी आने नहीं देंगे, आपकी सेवा में कमी आने नहीं देंगे, दुख सुख में आपके बीच में रहेंगे, जो भी कमियां रह गई हैं उस कमी को पूरा करेंगे, राज हो नहीं हो पर आपके हक की लड़ाई लगातार पहले भी लड़ता है आगे भी लड़ते रहेंगे। इसी भावनाओं के साथ आप लोग आए इकट्ठे हुए हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।